बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट, और आज की हिट स्टोरी में हम बात करेंगे भारत से मुतल्लक, जहां पे तकरीबन घर घर फसादात शुरू हो गए हैं। और अब तो उनके जो क्रिकेटर हैं विराट कोहली ख़ास तौर पे, उनको उनकी मासूम बच्ची जो 8 माह की है उसके हवाले से हिंदुत्वा के जो गुंडे हैं उन्होंने धमकी दी है कि उसके साथ रेप करेंगे। इंतहाई ये घटिया किस्म की एक धमकी है। इससे पहले जब पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था तो इंडिया में मुसलमानों के साथ जो है वो जुल्म सितम शुरू हो गया था। पहले भी खैर होता रहता है मुसलमानों के साथ, लेकिन जो ही इंडिया शारजा में पाकिस्तान से हारा तो भारतीय जो गुंडे हैं वो मुसलमानों पे पल पड़े थे। लेकिन जब न्यूजीलैंड ने इंडिया की दुर्गत बनाई तो फिर वो मजीद गुस्से में आ गए, और चूँकि इब्तदाई तौर पे भारतीय गुंडों की तरफ से शामी जो उनका बॉलर है उसको कहा गया था कि वो गद्दार है, जिसकी हमायत में विराट कोहली सामने आए। विराट कोहली ने कहा कि वो गद्दार नहीं है और खेल में ऊंच नीच होती रहती है और ऐसा होता भी रहता है। अब भारतीयों का देखें मुनाफकाना चेहरा यह है कि एक तरफ तो वो सचिन तेंदुलकर को भगवान कहते हैं, क्रिकेट का भगवान कहते हैं, अब जब क्रिकेट वो हार जाते हैं तो फिर उसी भगवान की वो पटाई शुरू कर देते हैं। तो कम अज़ कम उनको ये है, लिहाज तो होना चाहिए कि अपने भगवान की पटाई करते हुए उन इस बात से डरना चाहिए। और आपको याद होगा कि सचिन तेंदुलकर उनका वो भगवान है जिसके सर में शोएब अख्तर ने गेंद मारी थी, बाउंसर मारा था, तो इंडिया का जो भगवान सचिन तेंदुलकर है उसके सर में गेंद लगी थी। तो अब सूरत हाल जो है वो इंतहाई कशीदा हो चुकी है भारत में। टूर्नामेंट तो हो रहा है शारजा में, लेकिन सारी कशीदगी जो है वो इंडिया में पलट आई है। और आपको नाजरीन ये भी बताता चलूं कि खालिस्तान की तहरीक पहले ही वहाँ पे जोरों पे है। जो सिख बरादरी है उन्होंने अपना कनाडा और बरतानिया में इस हवाले से अपने रेफरेंडम का आगाज़ भी किया हुआ है, वो अपना अलग मुल्क चाहते हैं। इसके अलावा भी वहाँ पर जो दीगर अकलीतें हैं वो भी अलहदगी की तहरीक अपनी अपनी चलाए हुए हैं, जबकि मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है कांग्रेस जो है वो मुसलमानों को सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा भी जो बाकी वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो नरेंद्र मोदी की दोहरी पॉलिसियों से, मुनाफकाना पॉलिसियों से बहुत तंग हैं। कहा जाता है, बल्कि भारत की तरफ से ये दावा किया जाता है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, लेकिन इस हालिया T20 वर्ल्ड कप के बाद भारत दुनिया की सबसे बड़ा जो है मकरू चेहरा बन के उभरा है। नाज़रीन आपको याद होगा कि जब एक वर्ल्ड कप में 96 के वर्ल्ड कप में जब भारत जो है श्रीलंका से हार रहा था तो तमाशाइयों ने उस वक्त भी खेल रुकवा दिया था और वहां पे आग लगा दी थी, क्योंकि उनके अंदर बर्दाश्त है ही नहीं, वो हौसला ही नहीं रखते हारने का। अब टूर्नामेंट चूंकि शारजा में हो रहा है और अगर ये इंडिया में हो रहा होता तो यकीन माने किसी ना किसी भारतीय खिलाड़ी की इस वक्त तक वो जान भी ले चुके होते और पाकिस्तानी टीम के तो होटल पे भी वो हमला कर चुके होते। तो T20 वर्ल्ड कप ने भारत का जो मकरू चेहरा इस लिहाज से भी बेनकाब कर दिया, चूंकि सबसे ज्यादा पैसा जो है भारत ICC पे खर्च करता है, लेकिन ICC को अब मशवरा दिया जा रहा है कि भारत में किसी भी किस्म का कोई बड़ा टूर्नामेंट ना करवाया जाए, क्योंकि अगर भारत हारेगा उस टूर्नामेंट में किसी भी टीम से, बेशक बांग्लादेश से हारे, पाकिस्तान से हारे, ऑस्ट्रेलिया से हारे, तो भारतीय जो खिलाड़ी उनकी जान को खतरा पैदा हो जाएगा। अब इस हवाले से मालूम यह हुआ है कि नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है उसने विराट कोहली और उसके अहले खाना की सिक्योरिटी तो बढ़ा दी है, लेकिन हिंदुत्ववाद के जो गुंडे हैं, RSS के जो गुंडे हैं, वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। लिहाजा चूंकि थोड़ा ही सफ़र बाकी है अब इंडिया की टीम का शारजा में, उसके बाद उन्हें वापस पलटना है अपने मुल्क में। जब वो अपने वापस जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल कि फौरी तौर पर वो अपने मुल्क में जाएँ, वो किसी और मुल्क में जाएंगे जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा हिंदू गुंडों का, तो उसके बाद ही वो अपने मुल्क जा सकेंगे। लेकिन ये कहा नहीं जा सकता कि उसके बाद भी वो अपने मुल्क जाएं और उन्हें हिंदू गुंडे कुछ ना कहें। तो नरेंद्र मोदी के लिए ये बड़ा एक इम्तिहान सामने आया है T20 वर्ल्ड कप, और ICC के लिए भी एक बड़ा इम्तिहान है। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।